सबको रुखसत कर दिया जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए, किस हस्ती को भुलाया है, चंद पौंड के पीछे। आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूं। मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूं। मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया। या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं। अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहां जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाई, ओ बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से। जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा, ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है और हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो। मौत हमारे लिए राहत, अल्लाह खुश हो रहा। जब साद बिन माज का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है। क्योंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो आपने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, फिर जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो और जन्नत में हमेशा की राहतों के मालिक बन जाओ।